तो आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जैसे कि पहले ही उम्मीद थी कि पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, आरबीआई का फैसला भी वैसा ही आया। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, यह पहले की तरह 4% पर बरकरार रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि पॉलिसी का नजरिया अभी भी अकोमोडेटिव है। अकोमोडेटिव रुख का मतलब यह है कि आरबीआई का फोकस रेट कम रख के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर होगा। इस दौरान आरबीआई की सबसे बड़ी फिक्र महंगाई को लेकर है। वित्त वर्ष 2022 के लिए आरबीआई ने महंगाई का अनुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया है। चलिए, ये तो बात हो गई कि क्या कुछ आज क्रेडिट पॉलिसी में ऐलान हुआ। पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ जैसा कि अनुमान था, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, किन मुद्दों पर उनकी कमेंट्री आई है, ये बताने के लिए मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह। अनुराग, आपने पूरी ये जो क्रेडिट पॉलिसी को ध्यान से सुना, आपने बातचीत भी की, मुझे बताइए कुछ एक फैक्टर्स हैं, कुछ एक मैटर्स हैं जिन पर हमने गवर्नर साहब की तरफ से कॉमेंट्री आते हुए सुनी। उसमें सबसे पहले तो डिजिटल करेंसी को लेकर उन्होंने क्या रूपरेखा उस पर अपडेट दिया, इसके अलावा प्राइवेट वर्चुअल करेंसी पर भी उन्होंने कुछ कमेंट्री की थी, और साथ ही उन्होंने डिजिटल लेंडिंग पर भी कुछ बयान दिया है, कमेंट किया। जरा बताइए इन तीनों के बारे में क्या कुछ कहा है गवर्नर साहब ने। देखिए, आरबीआई गवर्नर ने जो वर्चुअल करेंसी है, प्राइवेट वर्चुअल करेंसी, जिसको लेकर साफ साफ कहा है कि रिजर्व बैंक की कुछ चिंताएं हैं वर्चुअल करेंसी को लेकर, और वो चिंताएं जो है वो सरकार को बता दी गई है कि किस तरह से जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसी है उसको उससे जुड़े हुए जो रिस्क फैक्टर है तो वो सरकार को बता दिए गए हैं। अब सरकार के पाले में है कि सरकार वहां पर किस तरह से आगे बढ़ती है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी की बात हो रही है तो वहां पर काफी बड़े डेवलपमेंट हुए हैं सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पर। तो वहां पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टीबी रविशंकर के द्वारा बताया गया है कि अभी जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पे डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोलॉजी और वैलिडेशन का जो काम है वो तेजी से चल रहा है, और इस साल के अंत तक इसका पूरा मॉडल तैयार कर दिया जाएगा। इसका मॉडल जो है वो पब्लिक के सामने आ जाएगा, खाका तैयार हो जाएगा, और इस पे कई सारे पहलुओं पे जो है वो रिजर्व बैंक तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि रेगुलेशन के अंदर बदलाव करने होंगे, फिर और कुछ चीजें जो है इस डिजिटल करेंसी से जुड़ी हुई उसमें बदलाव करने होंगे। तो वहां पर सारी चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और साल के अंत तक इसका जो पूरा मॉडल है वो तैयार हो जाएगा और पब्लिक के सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो डिजिटल लैंडिंग से जुड़ी हुई एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया था रिजर्व बैंक के द्वारा जनवरी के अंदर साल की शुरुआत में, तो उस वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है वो आखिरी चरण में है, और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की तरफ से कहा गया है कि उसकी जो रिपोर्ट है वो इस महीने के अंत तक आ जाएगी, और उसमें सभी तरह के जो सुझाव है, सभी तरह के जो विचार है उनको सम्मिलित किया गया है कि किस तरह से डिजिटल लैंडिंग को बढ़ाया जा सकता है, डिजिटल लैंडिंग से जुड़ी हुई क्या रिस्क है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये डिजिटल लैंडिंग से जुड़ा जो वर्किंग ग्रुप है, ये जी बिजनेस ने ही कोरोना काल के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन हफ्ता वसूली। उसके बाद आरबीआई जो है नियम भी लेके आया था, और उसके बाद जनवरी के अंदर आरबीआई के द्वारा एक डिजिटल लैंडिंग का वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया, जिसमें तमाम तरह के जो फैक्टर्स हैं उसमें शामिल किए जाएंगे कि कैसे डिजिटल लैंडिंग के तरह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो अनरेगुलेटेड एंटिटी है उनको, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस रखी जा सकती है। तो इस महीने के अंत तक जो डिजिटल लैंडिंग से जुड़ा हुआ जो वर्किंग ग्रुप है उसकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। वेरी वेल अनुराग, बहुत शुक्रिया। वो सारी बारीकियां, क्योंकि आज हमने क्रेडिट पॉलिसी पर लगातार एक बड़ी कवरेज की, बताया कि किस तरह से उसका असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में ये जो फाइन प्रिंट्स है ये अनुराग आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं, और ऐसे ही वो आपके लिए आगे भी ऐसी डिटेल्स लाते रहेंगे। शुक्रिया अनुराग वंस अगेन वो डिटेल लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और